त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। बैठक में गोरखपुर जनपद में 15 अप्रैल को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मंडलायुक्त ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए मतदान दिवस को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कार्ययोजना के समस्त बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए उपजिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को विस्तृत निर्देश प्रदान किए। साथ ही निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति, ट्रेनिंग, मतपेटियों की उपलब्धता एवं पोलिंग पार्टी के परिवहन कार्ययोजना पर संतोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गई कि जनपद में एक साथ एक ही दिवस में हो रहे मतदान को राज्य निर्वाचन आयोग के सुसंगत निर्देशों के अधीन सुचारू रूप से संपादित किया जाएगा। बैठक में डीआईजी रेंज प्रीतिंदर सिंह, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी दिनेश कुमार पी सहित सभी एडीएम, एसडीएम, सीओ मौजूद रहे। प्रतिबंधित है कि वो बूथ में रुके, मतलब उनके लिए मतलब एक सुविधा है कि वो बूथ पर ना रुकना चाहे। जैसे लोकसभा में तो था कि वहां तो प्रतिबंध था सर, यहाँ कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन मैंने ट्रेनिंग में ये बताया है कि महिलाओं के लिए वहां पर जी सर, बाकी को वहीं रुकना होगा सर। तो मैंने जी सर, तो मैंने यही ट्रेनिंग में बताया कि आपको बूथ पे नहीं रुकना है, आप दूर नहीं है तो आप कर लें, परंतु आप उस दिन देख करके 5-6 बजे तक वापस भी हो सकती है। वहाँ एक छोटा सा ये चैलेंज रहेगा, उन लोगों का ये कहना था कि क्या हम गाड़ी कर्फ्यू का आ रहा है, तो हमने कहा आप अपना ड्यूटी कार्ड दिखा देंगे तो आपको पूरे जनपद में कहीं पुलिस रोकेगी नहीं। डिस्पैच आपका जो होगी टीम वो 13 को होगी, 14 को होगी, 14 को सुबह होगी, 14 की सुबह होगी, तो 14 को शाम को 5 बजे तक अपने अपने पुलिस स्टेशन पर लोग पहुंच जाए, पुलिस स्टेशन चेक कर दिया जी सर, मूल सुविधाएं है पानी जी सर, जी सर, जी सर। तो एक प्रश्न और था, डिस्पैच सेंटर और रिसीविंग सेंटर और स्ट्रांग रूम एक ही जगह, जो जहाँ पर रिसीव होना है वही काउंटिंग होगी सर, तो वो चीज वो वहीं पे स्पष्ट करेंगे कि रिसीव हो करके बैच पूरा हम लोग ब्लॉक रहेगा, एक यहाँ भी रहेगा, इसलिए तो यहाँ का डिस्पैच सर ब्लॉक का सेंटर फोन हो जाएगा, पर वापस आते सर वक्त सर काउंटिंग सेंटर में चले जाएंगे, कहाँ हम लोग वहीं पर स्ट्रांग रूम, वो सारे जगह पर जहाँ पर स्ट्रांग रूम है वही काउंटिंग है, वही रिसीव सेंटर। देवरिया कि जो हमारा काउंटिंग सेंटर और रिसीविंग सेंटर है उसी को हम डिस्पैच सेंटर क्यों नहीं बनाते हैं, ताकि कंफ्यूजन कम हो, जब वो बड़ी स्पेस है, खुला एरिया है, इट इज अ गुड स्पेस, तो जो हमारा डिस्पैच सेंटर भी वही क्यों नहीं बनता जो हमारा रिसीविंग सेंटर या काउंटिंग सेंटर या स्ट्रांग रूम है। डिस्पैच सेंटर में सर पूरा एस्टेब्लिशमेंट मिला है सर, इंक्लूडिंग कंप्यूटर का फीडिंग से लेके सारे चीजें सर, उसके अलावा सर सामग्री दिया की सारे चीजें सर, उसके वो पूरा एस्टेब्लिशमेंट पर मुझे फोन करना पड़ेगा, वो भी सर वहाँ कितने सुविधा मिलेगा वो नहीं पता उसके बारे में नहीं, वो तो ये चेक कर ठीक है, वी आर वेरी क्लोज टू इलेक्शन, सो यहाँ मे बी वो सजेशन काम ना आए, बट पूरे कार्मिकों की और पूरे स्टाफ की, फोर्स की, चौकीदारों की सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, अगर जहाँ से गाड़ी चलती है वहीं पे लौट के आनी है, वहीं पे रिसीविंग सेंटर, काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम, ये तीनों एक जगह है, उन लोगों को पता है कि यहाँ आना है, यहाँ जमा होना है, तो वो नहीं होगा।